हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमके मोइन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट के बारे में। तो आज हम पहले देखेंगे सेट होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं सेट को। तो हम देखेंगे सेट। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से सीखेंगे। तो डिफिनेशन क्या लिखी हुई? डिफिनेशन लिखी हुई सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक वर्डिंग आपको सीखना है। वर्डिंग क्या सीखना है आपको? प्रॉपर वर्डिंग एक ये है आपकी, वेल डिफाइंड। इसका मीनिंग आप सीख गए तो आप सेट को सीख गए, ठीक है। यानी कि इसकी मीनिंग आप सीख गए तो आप प्रॉपर सेट को सीख गए। तो यहाँ समझते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड यानी कि सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, यानी कि सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। यानी कि जो बात सब लोग कहें वो बात आप भी कहो, यानी कि जो बात आप कह रहे हो वो सब पे लागू होनी चाहिए। पहली बात तो ये, यानी कि जैसे मैंने कहा संडे के बाद क्या आता है? मंडे आता है। तो सब लोग भी कहेंगे कि संडे के बाद क्या आता है? मंडे आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये आपका वेल डिफाइंड हुआ। उम्मीद करते बात समझ में आएगी। यानी कि आपको पता होगा क्या 2011 में कौन जीता था? इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। यानी कि आप भी वही बात कह रहे हो, सब लोग भी वही बात कह रहे हैं। यानी क्या हुआ? ये आपका वेल डिफाइन हो गया। यानी कि वो बात जो सब पे लागू हो, यानी कि जो बात आप कह रहे हैं वही बात सब लोग कहें, वही आपका क्या होता है? वेल डिफाइन होता है। यानी कि जैन के बाद क्या आएगा? सब लोग यही कहेंगे कि फेब आएगा। बिल्कुल सही बात, यानी कि जैन के बाद फेब आएगा। तो आपका क्या, वो आपका वेल डिफाइन हुआ। अब यहाँ समझते हैं वेल डिफाइन कौन सा नहीं होगा। तो वेल डिफाइन कौन सा नहीं होगा? जैसे मैंने आपसे कहा कि टॉप 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस या टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर। तो उम्मीद करते बात समझ में, यानी टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर क्या मेरे हिसाब से कोई और होंगे, आपके हिसाब से कोई और होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बातें मतलब एक जैसी नहीं होंगी। आप कहोगे सर मेरे लिए कोई और है, अब मैं कहूँगा मेरे लिए क्या कोई और होगा। तो यहाँ पे बातें क्या होंगी? एक जैसी नहीं होगी। यानी कि आपको क्या होगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी कि वेल डिफाइंड कब होगा, वेल डिफाइंड कब नहीं होगा। अब यहाँ पे सेट का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने लिया यहाँ पे क्या, वोबल्स। अब आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में वोबल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं सर। कौन से? ए ई आई ओ यू। जो आप कह रहे हो वही मैं भी कह रहा हूँ, है ना। यानी कि ये क्या हुआ? ये आपका वेल डिफाइन हुआ। यानी कि ये कैसा हुआ? ये आपका सेट हुआ। तो यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, जो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा हम लोग किसकी करते हैं? कैपिटल लेटर से करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा आता है? सर ए आता है। तो इसलिए हम उसको ए से इसको राइट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा एंड यू आएगा। ये क्या हुआ? ये आपका एक सेट हो गया। अब हमेशा सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कॉमा लगा के लिखते हैं। तो उम्मीद करें बात समझ में आई होगी। सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे डेज को, यानी कि हमने यहाँ पे डेज किया। अब डेज को हम लोग यहाँ कैपिटल बी कर देंगे। तो आपको पता है डेज क्या होता है सर? मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई? आपकी डेज हो गई। यानी कि ये 7 डेज मेरे लिए वही हैं, 7 डेज आपके लिए भी वही हुई। तो प्रॉपर क्या हुआ? ये आपका वेल डिफाइन हुआ। तो आप इसको कह सकते हैं कि मतलब सर ये क्या सेट फॉर्म है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं थर्ड एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल हमने लिया क्या? मंथ, ठीक है। तो मंथ क्या होंगे? आपके भी हिसाब से कितने हैं? 12 हैं। मेरे हिसाब से भी कितने हैं? 12 हैं। यानी कि ये क्या हुआ? ये आपका वेल डिफाइन हुआ। वेल डिफाइन मतलब प्रॉपर ये आपका सेट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज कर ले रहे हैं कैपिटल सी। तो ये आपका मंथ का एग्जांपल था जो हमने लिया। प्रॉपर हमने सबके शॉर्टकट नाम लिख दिए। तो जब देखिए क्या है, ये प्रॉपर ये आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही। यानी कि ये क्या हुआ? ये आपका वेल डिफाइन हुआ। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा सेट क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए? वो हमेशा वेल डिफाइन होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर क्या होगा, तभी वो आपका सेट होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी। तो अब हम देखते हैं क्या सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आपका 2 टाइप्स का होता है, यानी कि प्रॉपर उसको 2 टाइप्स से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला आपका होता है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम पहला यूज करते हैं रोस्टर फॉर्म। समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म को कैसे यूज किया जाता है, यानी कि कैसे प्रॉपर उसको राइट करते हैं रोस्टर फॉर्म को। तो रोस्टर फॉर्म को नॉर्मली आप, हमने बताया सेट को रिप्रेजेंटेशन क्या था, कैपिटल लेटर होता है, बिल्कुल सही बात, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा ए ई आई ओ यू। तो आपको पता है ये क्या है? ये आपके सर इंग्लिश अल्फाबेट के वॉबल्स हैं। तो हमने कहा कि सेट को आपको पता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जब किसी लेटर को या किसी नंबर को जब आप कॉमा लगा के लिखते हो वो यही क्या होता है? वही आपका रोस्टर फॉर्म होता है। मैंने कहा जब सेट में आप किसी
अल्फाबेट या नंबर को आप कॉमा लगा के लिखते हो सेट के अंदर, तो वही क्या होता है, वही आपका रोस्टर फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं क्या सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेकंड आपका है क्या सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे राइट करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। जैसे ऊपर वाली चीज क्या लिखी थी सर, ऊपर वाली चीज नॉर्मल क्या थी आपकी, नॉर्मल आपका सर इंग्लिश अल्फाबेट के क्या थे, वॉवल्स थे, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने कहा इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ले लेते हैं क्या, कैपिटल बी यूज कर लेते हैं। आपको पता है कि हमेशा कैपिटल लेटर आपको लेना है। तो यहाँ लिखा हमने क्या एक्स सच डेट एक्स, यहाँ इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि जब हम किसी सेट को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं वही आपका क्या होता है, वही आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। मैंने क्या कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, आपका पहला क्या होता है क्या रोस्टर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म यानी कि सर जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखे जाते हैं वो प्रॉपर आपका रोस्टर फॉर्म होता है। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जो सर सेट के अंदर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि जो बात यहाँ लिखी हुई है उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे वही क्या हो जाता है, वही आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। चलिए हम इसके देखते हैं अच्छे से, पहले क्वेश्चन करेंगे उसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक वर्डिंग के ऊपर बात करेंगे जो प्रॉपर है, कई बार क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर दी जाती है जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। तो पहली वर्डिंग आपकी होगी एन, इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्या है, नेचुरल नंबर है। इसी तरह मैं पहले वर्डिंग लिख दे रहा हूँ उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ये इन वर्डिंगों के बारे में पहले हम लोग सीखेंगे। पहला क्या है, पहला आपका नेचुरल नंबर है, सो हम राइट कर दे रहे हैं। तो आप नेचुरल नंबर के बारे में जानते होंगे क्या कि जो नंबर सर पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो वन से स्टार्ट होके आगे की तरफ जाते हैं वही क्या होते हैं, वही आपके नेचुरल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इनफाइनाइट तक आपके जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर होते हैं। सेकेंड आता है आपका यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, जेड मतलब आपका इंटीजर हुआ, ठीक है। तो कभी कभी आई भी आपका रिप्रेजेंटेशन इंटीजर का होता है, तो आपकी बुक में मेंशन होगा तो आप आई भी ले सकते हैं या आप जेड भी ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका जेड लिखा जाता है तो हम लोग यहाँ पे जेड यूज कर रहे हैं। तो वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कभी आई यूज कर सकते हैं, कभी जेड यूज कर सकते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम बात समझते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, आप कभी कभी पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, निगेटिव इंटीजर्स होता है। तो हम लोग पहले टोटली हम सीखेंगे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। पहले हम नॉर्मली सीखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी कि वो नंबर जो प्रॉपर आपके फिक्स वैल्यू के फॉर्म में लिखे हों, है ना, यानी कि निगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा, इधर आपका इन्फाइनाइट हो जाएगा, हमने यहाँ लिखा -3, यहाँ -2 एंड -1, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड सो ऑन, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। अब इसमें पॉजिटिव की बात करें, जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये इधर आएगा तो ये निगेटिव इंटीजर्स हो गया। तो नॉर्मली बस इसमें इतना है। तो हमने यहाँ पे देखो लिखा है निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा क्या, ये आपका निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3, -2, -1 एंड सो ऑन। यानी कि अब जरूरी नहीं कि ये तीन नंबर हों, -4, -5, -6 आपको इसी तरह प्रोसीड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्या आता है आपका, ये आपका होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि एंड सॉन तक होगा आपका प्रॉपर। अब यहाँ पे क्यों आया, क्यों का मतलब क्या होता है सर, ये आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो क्यों क्या है आपका रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर जो आपके जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं, और क्यों जो आपका होता है क्या डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वही क्या होता है, वही आपका रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बात करूं, आपका लिखा है क्या 1/2 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है एंड 1 आपका हो गया एंड 2 हो गया, ये आपकी क्या हो गया, ये आपके रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं रियल नंबर। अब समझिएगा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है, यानी कि मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं और आप इसके बारे में नहीं जान रहे हैं तो मतलब आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, उम्मीद करें बात समझ में आएगी। अब चलिए यहाँ रेशनल नंबर यानी सॉरी रियल नंबर की हम बात करते हैं। तो रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर यानी कि हमने जितनी चीज ऊपर की लिखी हुई है वो सब क्या आती है, वो सब आपके रियल नंबर में आती है। यानी कि जितने भी यानी कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड या तो रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्या होता है, ये आपका आता है रियल नंबर में। तो रियल नंबर यानी कि यहाँ कह सकते हैं क्या नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल, इसको हमने आर ए कर दिया, नहीं दोनों की वर्डिंग आपके सेम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्यों लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, और क्यों इसका नोटेशन ही होता है, यानी कि ये प्रॉपर क्या होगा, ये आपका रियल नंबर में आता है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे यानी क्या होगा, यानी कि यहाँ पे सर निगेटिव नंबर भी होंगे, यहाँ सर पॉजिटिव नंबर भी होंगे और यहाँ पे डिवाइड वाले भी नंबर आपके होंगे।
तो इस तरह के नंबर क्या होते हैं आपके, रियल नंबर होते हैं। और इसमें लास्ट दिन एक आपका एक और रह गया है, क्या हो गया, एक आपका सी, सी आपने शायद नाम सुना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग राइट करते हैं जेड से, लिखा जाता है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। यहाँ कभी कभी ए और यहाँ कभी कभी बी भी यूज कर लिया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपना अपना बताने का टीचर का तरीका होता है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई, लेकिन यहाँ पे जो आपका एक्स और वाई होता है वो बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को, यानी कि जो नंबर आप यहाँ रखोगे वो इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर होगा आपका। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। तो ये क्या होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपको वर्डिंग आनी चाहिए अगर आप सेट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सेट में भी काम आएगी और आगे वाले क्वेश्चन में भी आपको यूज करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपने इसको 8th, 9th, 10th में अच्छे से पढ़ा होगा, देन आपको आती होंगी। तो हम देख रहे हैं इसके क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि आपको बताना है कि वो चीज आपकी सेट है कि नहीं जो जे से स्टार्ट हो रही है। आपको पता क्या है, अब जैन आपका स्टार्ट हो रहा है जेड से, यानी कि प्रॉपर क्या आएगा इसमें, आपका जैन होगा, जून होगा, जुलाई आएगा, तो ये प्रॉपर क्या होंगे, ये आपका जे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यानी क्या होगा, ये हम मेरे हिसाब से भी वही है और आपके हिसाब से भी वही है, यानी कि क्या होगा, ये प्रॉपर आपका सेट होगा। तो ये क्या हो सकता है, ये आपका सेट होगा। तो हम इसी तरह क्वेश्चन आप रीड करेंगे, उसी तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कि लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो चीजें आप थोड़ा सा समझते रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपने बुक और कॉपी आपने ओपन करी होगी। तो आपका सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोला है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, ठीक है, बोला गया द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये क्या सेट होगा कि नहीं होगा, आपको बताना है। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर की बात कर रहा है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं कोई और बताऊंगा ना, अब आपके हिसाब से आप कोई और बताओगे, तो ये क्या सेट होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये आपका सेट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड की, लिखा हुआ अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो यानी कि पूरे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में 11th क्रिकेटर की हमको टीम बतानी है, तो ये प्रॉपर क्या होगा, ये आपका प्रॉपर वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं कुछ और बताऊंगा, मैं प्रॉपर क्या करूंगा, मैं सारे इंडिया की चूज कर लूंगा, ऑस्ट्रेलिया वाले सारे ऑस्ट्रेलिया की चूज कर लेंगे, आपको तो पूरे वर्ल्ड में होकर बतानी ना, इस तरह वेल डिफाइंड तो नहीं होगा। इंडिया के हिसाब से तो इंडिया वाले हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया वाले हो जाएंगे, इंग्लैंड के हिसाब से इंग्लैंड वाले हो जाएंगे, तो ये वेल डिफाइंड कहाँ हुआ, यानी कि वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे जेड लिखा है, जे से स्टार्ट होने वाले, ये प्रॉपर क्या है, जैन आ रहा है, जुलाई आ रहा है, जून आ रहा है आपका, तो ये मेरे लिए भी वही होंगे, यानी कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी यही तीन होंगे, और जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी यही तीन होंगे ना, ये क्या हो, ये प्रॉपर आपका वेल डिफाइन हुआ। तो इसी तरह जो आपके जो यहाँ पे बेस्ट क्रिकेट की बात बोली गई, ये क्या होगा, ये आपका फॉल्स होगा, यानी कि वो आपका सेट नहीं होगा। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। तो आपका फोर्थ लिखा हुआ द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, अब ये समझना है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। अब देखो आपके स्कूल है गर्ल्स बॉयज दोनों होंगे, तो आपसे बोला गया है कि क्या उस स्कूल में कितने बॉय हैं, उसको तो फाइंड किया जा सकता है ना, आराम से नॉर्मली फाइंड किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि हमको पता है ना कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, तो वहां पे हम बता सकते हैं, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, वो आपका सेट वहां पे होगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि आपके स्कूल में एक टीचर जितना कहेगा कि बेटा इतने बच्चे हैं यहाँ पे बॉयज हैं, तो दूसरा भी इतना ही कहेगा, तो नॉर्मली वहां पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, लिखा हुआ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, बिल्कुल होगा, आपको बोला कि ऑल नेचुरल नंबर यानी कि 100 से लेस कितना होगा, 1 से 99, मैं भी यही कहूंगा आप भी यही कहोगे, यानी क्या हुआ, ये आपका वेल डिफाइन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका द कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल ये होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के जो भी होंगे वो आप भी वही बताओगे और मैं भी वही बताऊंगा, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है, यानी कि जो भी उन्होंने लिखा है, जैसे उन्होंने गोदान लिखा है, तो आप भी कहोगे सर हाँ उन्होंने गोदान लिखा है, मैं भी कहूंगा कि हाँ उन्होंने गोदान लिखा है, तो ये चेंज नहीं हुआ ना, ये क्या हुआ, ये वेल डिफाइन हुआ, तो ये क्या होगा, ये आपका सेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या हुआ, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी कि प्रॉपर क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह आगे बात होगी, जो कि आपके भी वही हिसाब से वही है, मेरे हिसाब से भी वही है, तो ये प्रॉपर क्या होगा, ये प्रॉपर आपका एक सेट होगा, यानी कि ये क्या वेल डिफाइन है। तो उम्मीद करें चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, अब आपको पता है इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं,
वो आप राइट काउंट करके बता सकते हो। दूसरा भी जो होगा वो भी क्लास 11th की बुक ओपन करेगा मैथमेटिक्स की, वो भी पहले चैप्टर के आपके क्वेश्चन राइट करके बता देगा, यानी कि काउंट करके। तो यानी कि जो भी होगा आप बताओगे भाई वो भी बताएगा काउंट करके, ऐसा तो है नहीं कि आपने बताया 30 वो बताएगा 35, यानी कि जो आप बताओगे भाई वो भी बताएगा, यानी कि वो प्रॉपर क्या हुआ, वो प्रॉपर आपका सेट हुआ। उम्मीद करें बात समझ में आई होगी। एंड लास्ट क्वेश्चन इसका है, लिखा हुआ है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये समझना है आपको, मोस्ट डेंजरस एनिमल यानी कि सिंपल सी बात है ये सेट नहीं होगा। कुछ लोगों के क्यों नहीं होगा सर, लायन से हम भी डरते हैं, लायन से सब लोग डरते हैं, बिल्कुल सही बात, चलिए ठीक है आप एक पर्टिकुलर मान लें, लेकिन कॉकरोच, तो कॉकरोच से आप नहीं डरते ना, गर्ल्स जो होती हैं वो प्रॉपर कॉकरोच से भी डर जाती हैं, तो क्या वो मोस्ट डेंजरस हुआ, नहीं ना हुआ ना, यानी कि वो क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि वो चीज सबके लिए होनी चाहिए। तो अब कॉकरोच यहाँ सबके लिए डेंजरस एलिमेंट नहीं हुआ, छिपकली आपकी सबके लिए डेंजरस एलिमेंट नहीं हुई ना, तो प्रॉपर क्या होगा, ये आपका सेट नहीं होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका लिखा हुआ है, लेट ए आपको एक सेट है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अब यहाँ पे जो सिंबल आपके आए ये क्या सिंबल है, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग से इसको समझ लेते हैं कि चीजें ये क्या है ना। तो ये नॉर्मली ये जो आपका सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग, बिलोंग्स टू, और ये जो आपका सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। तो उम्मीद करें दोनों समझ में आया होगा। अब इनको समझ लेते हैं क्या चीज है ये, है ना। अब बिलोंग का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज प्रॉपर जिसके बारे में कही जाती है वो वहां पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मेरे घर में आर डी शर्मा की बुक है, तो जब आप देखोगे कि प्रॉपर आर डी शर्मा की बुक यहाँ रखी हुई है तभी आप कह पाओगे कि हाँ सर के यहाँ आर डी शर्मा की बुक है, इसका मतलब आर डी शर्मा की बुक यहाँ पे बिलोंग कर रही है। और जब यहाँ पे नहीं होगी मतलब क्या होगा, आपकी डज नॉट बिलोंग होगी, यानी कि जब ये बुक आप नहीं पाओगे यहाँ तो क्या होगा, सर कि यहाँ आर डी शर्मा की बुक नहीं है, इसका मतलब वो डज नॉट बिलोंग कर रही है। उसी तरह चीजें आपको यहाँ भी समझनी है कि जो सेट आपको दे रखा है, यानी कि ये जो एलिमेंट आपके इसके अंदर दे रखे हैं, ये एलिमेंट जब इसके अंदर होंगे तभी क्या कहेंगे, तभी वो इसको बिलोंग कर रहे होंगे इस सेट को, अदरवाइज वो बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाँ 5A को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, आपको इसके अंदर फिल करना है। तो यहाँ देखिए क्या इस ए के अंदर 5 है, बिल्कुल है, यानी कि 5 सर सेट के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब 5 जो है ए को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, बिलोंग का आएगा। उसी तरह देखिएगा सेकंड, 8 ए को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 से 6 तक आपके नंबर है, यहाँ पे 8 आपका नहीं है, तो ये 8 जो है ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। उसी तरह देखिए यहाँ पे 0 ए, क्या 0 ए को बिलोंग कर रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ भी आपका क्या बिलोंग नहीं कर रहा है। उसी तरह देखिए 4 ए को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि सर ए के अंदर 4 है, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका बिलोंग कर रहा है। उसी तरह देखिए 2 क्या ए को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 आपका है, तो ये आपका 2 बिलोंग कर रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा बिलोंग क्या होता है, डज नॉट बिलोंग क्या होता है, यानी कि जो चीज वहां पे है वो बिलोंग कर रही है, जो चीज वहां पे नहीं मतलब वो बिलोंग नहीं कर रही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 आपका लिखा हुआ है क्या, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि जो आपको लिखा हुआ लैंग्वेज फॉर्म लिखी हुई, यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म जो लिखी हुई है इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। अब मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के यानी कि नंबर या अल्फाबेट को लिखना एक रोस्टर फॉर्म होता है, जो नॉर्मल सी मीनिंग में समझे तो हम लोग। तो वही चीज यहाँ क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, यानी कि आपको इंटीजर है, इंटीजर मतलब यहाँ पे सर निगेटिव भी होगा, यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा, यानी कि यहाँ पे 0 भी होगा, है ना। तो एंड किसकी की बात हो रही, यानी जो एक्स बोला गया क्या है, एक्स बोला गया है, जो यहाँ पे x बोला गया किसकी किसके बीच बात हो रही है, यानी कि -3 और 7 के बीच की बात यहाँ बोली जा रही है। तो इसी तरह हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, क्या यहाँ लिखेंगे a, करली ब्रेकर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ -3, यहाँ पे क्या हो रहा है, बोला कि x जो है -3 से क्या है बड़ा है और 7 से क्या है छोटा है, यानी कितना आएगा, यहाँ आएगा -2 आएगा, -1 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं बी की, तो हम सेकंड की बात करेंगे यानी कि बी की बात करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर बताने कौन से, जो 6 से छोटे हो, यानी कि 6 से कम हो। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपको बताया कि जो 1 से स्टार्ट हो सर, जो पॉजिटिव यानी कि 1 से स्टार्ट हो आगे की तरफ जाए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो बी लिखा था रिप्रेजेंटेशन, हमने बी बनाया इसको,
वन आएगा, टू आएगा, थ्री होगा, फोर होगा एंड फाइव होगा, यानी कि बोला गया छह से कम होना चाहिए, यानी सिक्स से कम हमने बना दिया। अब आते हैं सी पे, लिखा हुआ एक्स सच डेट एक्स इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट, यानी कि आपको दो डिजिट आपको ऐसे नंबर बताने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए, एट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, सी लिखा होता है, हमने लिखा सी लिखा। अब पहला नंबर कौन सा होगा आपका, पहला आपका आएगा 17, टू डिजिट है, 71 कितना होगा आपका, 8 आएगा। उसी तरह आपका 26 आएगा, 2 उसी का ऐड करेंगे, 8 होगा आपका। उसी तरह 35 आपका होगा बिल्कुल, उसके बाद कितना आएगा, 44 होगा आपका, दोनों को ऐड करेंगे 8 आ रहा है। उसके बाद कितना आएगा, 53 आएगा, फिर 62 आएगा, फिर 71 आएगा एंड उसके बाद आपका 80 आएगा। तो ये आपके इतने टू डिजिट नंबर होंगे जिनका सम आपका कितना होगा, 8 होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं फोर्थ पे, यहाँ लिखा हुआ है डी क्या, एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, यानी कि आपको वो प्राइम नंबर बताने हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। ये आपका डी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन था, हमने इसको डी राइट किया। अब देखिएगा, यानी कि प्राइम नंबर हमको वो बताने हैं जो 60 को डिवाइड करें। तो यहाँ पर क्या क्या होगा आपका, 2 आएगा, 3 होगा एंड 5 होगा, जो कि आपके प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड करेंगे। अब समझिएगा यहाँ पे, लग गया द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी आपके इस ट्रिग्नोमेट्री को हमको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ए रिप्रेजेंटेशन था, हमने ए दिया। इस तरह के जब वर्डिंग आया तो उसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो समझिएगा कैसे लिखेंगे। ऐसे टी लिखा हुआ है, टी लिखा हमने, आर लिखा, आर लिखा हमने, कॉमा लगाते रहिएगा, आई लिखा, आई लिखा हमने, जी लिखा है तो जी लिखा, उसी तरह ओ लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे आया एन, एन के बाद क्या आया, फिर से ओ आया, लेकिन आपने यहाँ पे ओ लिख दिया है तो यहाँ वापस आप एन ओ नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेट में रिपीट नहीं करते हैं, इसी वजह से ही नंबर को, लेटर को आपको रिपीट नहीं करना है। इसी तरह क्या आएगा, अब एम आएगा आपका, और आपने ई आएगा फिर, अब इसके बाद फिर देखो यहाँ पे टी आ गया, तो टी हमने यहाँ पे यूज कर लिया, नहीं यूज करना है। आर यहाँ पे आया तो आर यहाँ पे हमने यूज कर लिया, नहीं यूज करना है। उसके बाद क्या आएगा, वाई आएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी, इसी तरह आपको यूज करना है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, एफ आपका क्या है, बोला गया द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, यानी कि बेटर को भी आपको रोस्टर फॉर्म में हमको बनाना है। तो ये आपका एफ था रिप्रेजेंटेशन, हमने एफ दिया इसका नाम, आपको बी है सर, बी लिखा हमने, कॉमा लगाना है, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ डबल टी है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब सिंगल क्यों लिखना है। ई अभी हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, वापस नहीं लिखना है। यहाँ क्या आएगा आपका, आर आएगा, ये क्या हो जाएगा, यही आपका बेटर का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।